ये मजेदार सा राजमा ये मेरे साथ बनाते हैं परफेक्ट 24 की किचन में। हाँ राजमा बनाने के लिए मैंने ये वाले लिए हैं जो चित्रा कहते हैं हम, वो वाले राजमा लिए हैं और इन्हें मैंने रात भर भिगा दिया था। ये करीबन 250 ग्राम से थोड़े ज्यादा हैं और इसे रात भर भिगा के देखिए ये ऐसे फूल गए हैं। इन्हें अभी हम कुकर में उबालेंगे, इसमें हम भर के पानी डालेंगे, जितना हमें चाहिए ग्रेवी के लिए उतना ही डाले अच्छा रहेगा, ताकि जो हमें जो ग्रेवी मिलेगी काफी गाढ़ी मिलेगी और हमारे राजमा पकते समय फटेंगे भी नहीं। राजमा को उबालते समय अभी हम कुछ मसाले डालेंगे इसमें। ये मैं 3-4 तेज पत्ता डाल रही हूँ, 3 बड़ी इलायची डाल रही हूँ जिसके मैंने मुंह खोल लिए हैं इस तरह से, 1 इंच दालचीनी है, ये मेरी माइल्ड वाली है इसलिए मैं आपको लग रहा होगा बहुत है पर ये बहुत माइल्ड वाली है तो आप अपने अंदाज से देख लीजिएगा। ये 9 लौंग डाल रही हूँ और ये बिल्कुल थोड़ी सी जावित्री है तो आप ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। और इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, बाद में बचा हुआ नमक हम बाद में डालेंगे। राजमा को अब मैं 1 विसल आने तक हाई पे पकाऊंगी, उसके बाद सिम पे कम से कम 20-22 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि हमारे राजमा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब तक हमारे राजमा पक रहे हैं आइए हम मसाला बना लेते हैं राजमा के लिए। इसके लिए मैं यहाँ पे 4 बड़े चम्मच तेल ले रही हूँ रिफाइंड ऑयल, और मैं करीबन 2 टेबलस्पून के करीबन स्पून घी डाला है, तेल गर्म हो गया। इसमें मैं 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ, क्रैकल होने देंगे जीरा को अच्छे से। इसमें अभी मैं ये 6 बड़े प्याज बारीक कटे हुए ये डाल रही हूँ। प्याज की क्वांटिटी आप आपके राजमा के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए इतने लाल हो गए हैं हमारे प्याज। अभी इस मोमेंट में मैं 1 टेबलस्पून ये कुटा हुआ लहसुन है और ये करीबन 2 से 2.5 इंच अदरक का टुकड़ा था जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से अभी पकाएंगे इन सबको। हमें प्याज को अच्छे से लाल करना है। प्याज हमारा अच्छे से लाल हो गया है पर बाकी के मसाले डालने तक ये जल ना जाए इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी डाली हूँ ताकि हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाए मसाले डालने के लिए। इसमें 1 टीस्पून ये तीखा लाल है, 2 टीस्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। 3 टीस्पून मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ इसमें, 1 टीस्पून के करीबन जीरा पाउडर, ये जीरा भून के मैंने डाला हुआ है, 1 टीस्पून गरम मसाला, इन्हें अच्छे से भी भूनेंगे। मसालों ने तेल छोड़ दिया तो अभी इसमें मैं ये 6 मीडियम साइज के टमाटर जिसे मैंने प्यूरी कर लिया है ये डाल देंगे और अभी इन्हें अच्छे से भूनेंगे। टमाटरों के साथ मैं 1 टीस्पून के करीबन नमक डाल रही हूँ, अब इन्हें अच्छे से भूनेंगे। देखिए ऑयल अलग हो गया है और इसे थोड़ी देर और भूनेंगे हम, मैंने गैस हाई कर दी है। थोड़ा पानी डाल रही हूँ इसमें, पानी डाल के थोड़ा देर और पकाएंगे इसे। राजमा में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसका मसाला, और मसाला हमारा अच्छे से पके तो राजमा आपके लाजवाब बनेंगे। राजमा हमारे पक गए हैं, इसे अच्छे से टूट रहे हैं। आप अभी इस समय तेज पत्ता आप निकाल सकते हैं अगर आपको निकालना है तो, ये जो हमने खड़े मसाले डाले थे वो आप अलग कर सकते हैं। मसाला हमारा एकदम अच्छे से पक गया, तेल भी अलग हो गया है, अभी हम अपना राजमा इसमें डाल देंगे।
अच्छे से मिलाएंगे इन्हें। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। ऐसे हिलाते हिलाते आप थोड़े से दबा सकते हैं इसे। राजमा को 5-7 मिनट होने देंगे मसाले में और फिर इसमें बची हुई चीजें डालेंगे। इस समय आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो डाल दें नमक इसमें। अच्छे से उबाल आ रहा है, इसमें भी हम एक दो चीजें डालेंगे। इसमें एक चुटकी ये जीरा पाउडर डाल रही हूँ भुना हुआ, एक चुटकी गरम मसाला, टेबलस्पून के करीबन कसूरी मेथी जिसे मैंने थोड़ा तवे पे भून लिए ये डालेंगे, और हरा धनिया एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीजें। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, मुझे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। आइए इसे सर्व करें। बहुत ही मजेदार लग रहे हैं ये राजमा देखने में, बहुत ही आसान रेसिपी है। जरूर बना के देखिएगा मेरे तरीके से। कैसे पसंद आए तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें परफेक्ट 24 को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।